ये छतरपुर में मध्य प्रदेश में घूम रहा है, आप भी ले सकते हैं। छतरपुर वासियों के लिए किसी भी प्रकार का दर्द हो, हड्डी संबंध सही हो जाती है। ये अबे हमने पहनी आधा घंटा पहले तो सही है, दर्द था अभी, दर्द हो रहा था मुझे अभी, सही है। लेकिन उसका ये जो मोटा करके जो बैठा है ना, वो भी पहले पैसे नहीं दिया था, पहले फ्री में चेक किया था, बोल रहा हमको आराम लगेगा तब पैसे दे, हम बोल रहे पहले फ्री में आराम लगेगा तब। कौन मोटा दुकान तुम कहाँ का? कलकत्ता में नहीं तो तुम्हारे मतलब कौन जिले के हो वहाँ? कलकत्ता के हैं, मुर्शिदाबाद के। कोई भी लो, छोटी लो बड़ी लो, फायदा वही करता है। पचास का दो का, कौन सी मछली का रहता है ये? इसको कॉट मछली कहते हैं, कॉट कॉट मछली। ये कहाँ? कलकत्ता ही में पाई जाती है, और गोवा हुआ साइड, गोवा में, बम्बई में भी मिलेगा। नहीं तो आराम हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी कौन सी है? पूरी इसको हम लोग का पीछे वाला है, स्पाइनल है। नहीं आराम तो करती है, क्यों? हकीकत तो वही है, मेरा दवा बोलता नहीं आदमी को, आगे बोलता है तो चार दो नहीं। ये जैसे छोटी अपन पहने तो छोटी कम काम करती है, फायदा उतना ही है। छोटी वाली रखने के लिए भी अच्छा लगता है, सोने होने का टाइम दिक्कत नहीं है। क्या कमर में ही बांधनी पड़ती? कमर में, गला में, हाथ में, भैया एक जगह में बांधो तो बहुत कमर में भी बांधे। यार जो रेट है अनुरोध करते बेचता नहीं है। पहले भी तो आए थे तुम लोग बेचने, पहले भी तो आए थे यहाँ, 8 महीना पहले एक बार आया था। लेने के लिए ढूंढता है तो इसको पहनने से तुरंत असर होता है। पूरा आधा घंटा 10 मिनट बांधो वरना बेटा मैं सही हो गया, 2 दिन बाद सारा जीवन के लिए सही। कितनी देर में सही हो जाता? क्यों क्यों कितनी देर में सही हो जाता? क्या नाम तुम्हारा है? क्या नंबर क्या है तुम्हारा मोबाइल नंबर? हाँ डबल थ्री 1515। चलो ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के यदि कोई फायदेमंद वीडियो हो तो मैं आपको दिखा सकूं, और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल सके। धन्यवाद। सभी प्रकार की हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द इस मछली की, ये रीढ़ की हड्डी का जो ये है इसको पहनने से आराम लगता है, ये ऐसा कहना है इसका। मेरा मकसद कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं, मगर मैंने अभी स्वयं आध घंटे पहले करीब ली थी इसको पहनी, जिससे कि मुझे फ़ायदा है। यदि किसी को फ़ायदा मिल सकता है तो ज़रूर लेनी चाहिए, और कृपया अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।